हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ आपका जो टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले की वीडियोस के अंदर भी बात कर चुके हैं उसके बारे में, और हमने जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है उसकी स्टार्टिंग कर दी है। उसमें हमने सबसे पहले कल आपकी पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताया था, और आज हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस साल बैलेंस शीट आई नहीं रही है, तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए, ठीक है, तो 4 या 5 नंबर की वेटेज भी हो सकती है इसकी, तो और कैपिटल एडजस्टमेंट हट गई है तो थोड़ा ईजी हो गया और स्कोरिंग पार्ट हो गया है आपका, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हम आज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट कराया, एक सिंपल सा एक आपको फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है बाय बैलेंस बीडी, यानी बाय बैलेंस बीडी का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, और उनकी जो कैपिटल है वो आएगी। जैसे यहाँ बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है ना, ये कैपिटल हम इसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पर डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय कैश या बैंक। आप कैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बैंक से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों में से। और यहाँ जो हमने कैपिटल ये जो डाला है अमाउंट, ये अमाउंट होता है आपके न्यू पार्टनर्स की कैपिटल का। जैसे यहाँ सी एक नया पार्टनर आया और वो कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों, तो वो यहाँ पर आपकी डल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीमियम ऑन गुडविल, जो आपको डिफरेंट करेगी एडमिशन को, चेंज इन PSR को, रिटायरमेंट एंड डेथ को, वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेगी, तो ना कि बाकी जो एडजस्टमेंट्स हैं जर्नलिज्म वगैरह की आपकी लगभग सेम ही होंगी, इन चीज़ों में आपको डिफरेंस मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब गुडविल क्या होती है, हमने ट्रीटमेंट सीखे गुडविल के पिछली कई वीडियो के अंदर, हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट सीखे हैं गुडविल के, यानी बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ही शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल, यानी 1 लाख रुपीज़ वो कैपिटल के लाया, एंड ही ब्रिंग 50,000 इज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो गुडविल लाएगा पार्टनर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी पुराने पार्टनर्स में इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कैसे हुआ, अब जनरल रिजर्व वगैरह ये आपको याद भी नहीं रह सकते कई बार, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आपकी ये बैलेंस शीट बनी हुई है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है इस तरीके से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अगर हम इसको देखें तो क्रॉस पोस्टिंग में जा रहा है, इधर जनरल रिजर्व नहीं रखा तो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है आपका बाई साइड, मैंने क्रेडिट की साइड, तो एक क्रॉस पोस्टिंग में चला गया आपका। अगर इसको हम यहाँ बना लेते हैं लाइबिलिटी अमाउंट और एक एसेट अमाउंट एक हम यहाँ ले लेते हैं, तो क्या होगा, आप इधर की लाइबिलिटी तो इधर चली गई है, ठीक है, तो क्रॉस पोस्टिंग है। ये हमारे चेकलिस्ट के आइटम होते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया इनके बारे में, चेकलिस्ट के आइटम्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व हो गया, ये भी ओल्ड पार्टनर बटेगा, यानी नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ इसकी कैपिटल डाली जाएगी। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कि नए पार्टनर को क्यों नहीं मिलना, नए पार्टनर को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी फर्म के अंदर आया है ना, बाकी सब चीज़ें जो रिजर्व से ये सब चीज़ किसने मेंटेन कर रखी है, ओल्ड पार्टनर से, तो इनके ऊपर जिसका हक किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का, तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और कोई लॉसेज भी होंगे तो वो भी कौन राइट ऑफ करेगा, वो करेगा। तो इसी तरीके से जनरल रिजर्व हो गया, नेक्स्ट इसी तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये हमने पीछे की वीडियोस के अंदर पढ़ रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट, ठीक है, अदर कंडीशंस में भी आएंगे तो इनका ट्रीटमेंट, ये आती इधर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जब आएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको कभी कभार यहाँ मिल जाता है, जैसे इधर दे रखा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इधर भी आ जाता है, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी हो सकता है, इधर इसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाती है, तो ये भी क्रॉस पोस्टिंग से हो गया। और ये हो गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो इससे पहले हमने अकाउंट बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ डलता है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारी इधर भी आ जाती हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी ध्यान रखना है क्रॉस पोस्टिंग होनी है। ये गुडविल है, इसको गुडविल को बोलते हैं हम गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हमने गुडविल की ट्रीटमेंट की लास्ट वीडियो के अंदर, इसमें हिडन गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताया, उसने बताया गुडविल रिटर्न ऑफ की ट्रीटमेंट। तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ कब होती है, जब गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अपीयर्स है यानी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ दे रखी है आपको, तो हमने इसको यहाँ पे राइट ऑफ किया, ठीक है। ये ड्राइंग अगर पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो यहाँ ड्राइंग के नाम से आ जाएगा P&L, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये इधर आ गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस। देखिए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, एक ही चीज़ होगी रिवैल्यूएशन के अंदर, तो दोनों में से कोई चीज़ एक आएगी क्वेश्चन के अंदर। एट लास्ट हम क्या करेंगे, इन टोटल्स को बैलेंस करेंगे और जो भी कमी होगा इधर यहाँ डाल देंगे। सपोज़ करो इसका टोटल आया था हमारा 1 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों, मान लीजिए इसका टोटल आया हमारा 1 लाख रुपीज़, और इससे पहले जो यहाँ टोटल आ रहा है एक्सेप्ट दिस,
नहीं आ रहा था 70,000, यानी 30,000 जो अमाउंट आएगा हमारा ये आ जाएगा, और यहाँ टोटल हम लिखेंगे 1,00,000, यानी दोनों साइड को हम बराबर करते हुए चलेंगे, और जो कमी होगी जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे टू बैलेंस शीट के लिए। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, इसके अंदर हमने सभी पॉइंट्स को क्लियर कराया आपको, और एक हमने एक छोटी सी एक अपने वास्ते एक इलस्ट्रेशन ली है, एक एग्जांपल लिया है, जिससे कि मैं आपको ये कराऊंगा तो आपको ट्रीटमेंट्स और थोड़े से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इसके। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम इसको कराते हैं, ज़रा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं इनका, इसी क्वेश्चन का। ए बी एंड सी दीज़ आर थ्री पार्टनर्स, ए बी और सी। बच्चों अब हम करना क्या है इसमें, देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल डालेंगे, ओल्ड पार्टनर की इससे डालेंगे बाय बैलेंस बी डी से। कितनी है कैपिटल दोनों की, 1,50,000 और 75,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसमें बोला गया है सी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, सी ब्रिंग 1,00,000 एज कैपिटल, यानी 1,00,000 को कैपिटल लाए बाय कैश से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कैश भी लिख सकते हो आप, बैंक पे लिख सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे ना। उसके बाद बोल रखा है यहाँ पे एंड हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 50,000 एट हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी 50,000 रुपये गुडविल लाया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पुराने पार्टनर्स जो हैं ए एंड बी हैं, और हम मान लेते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है हमारा 3:2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें गुडविल जो है 50,000 रुपये लेकर आ रहा है, उसका शेयर है। ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल, अगर कभी कभार फॉर्म की गुडविल गिवन होती है तो हमें पार्टनर का, इनकमिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी शेयर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो ये 50,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है ए एंड बी में। तो यहाँ आएगा बाय प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, कितने 50,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 30,000 और 20,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने 3:2 के अंदर। ठीक है, यानी ये एडजस्टमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक मैंने आपको ये कराने सिखाई थी इस तरीके से, और ये आप कम्प्लीटली एक तरीके से क्वेश्चन में करना सीख रहे हो इस तरीके से, फिर हम पूरे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। तो ये आ गया यहाँ पर, उसके बाद हम अपने चेकलिस्ट के आइटम्स देखेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा यहाँ है नहीं, होता तो उसका प्रॉफिट भी डाल देते, लेकिन हम चेकलिस्ट के आइटम्स देखते हैं। चेकलिस्ट के आइटम लाइबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दे रखा हमें जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व में देखिए बच्चों 10,000 है, तो हम यहाँ डाल देंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2 के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, यानी 6,000 और 4,000। ठीक है बच्चों, ये कन्फ्यूज मत होना कि कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ गुडविल ही होती है सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो कब निकालते हैं, जो हमें न्यू रेशियो गिवन हो। ठीक है, हमने पीछे की वीडियो में पढ़ा था, और यहाँ न्यू रेशियो गिवन नहीं था, तो ओल्ड रेशियो को हमने सेक्रीफाइजिंग मान के गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, जनरल रिजर्व हो गया ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 15,000 है, इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो 9,000 और 6,000 हो गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000, तो 3,000 एंड 2,000 ये भी आ गया ना। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स हमारे लाइबिलिटी में हैं, तो ये हमारे रिवैल्यूएशन में अगर इसका कोई एडजस्टमेंट इवन हो तो हम इसको रिवैल्यूएशन में ट्रीट करते हैं, अदरवाइज ऐसे की एज यूजुअल बैलेंस शीट में आ जाती है। तो यहाँ पार्टनर कैपिटल में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब देखिए एसेट साइड में भी कुछ हमारे चेकलिस्ट के आइटम है, जैसे गुडविल है, इस गुडविल को हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। ये गुडविल अलग हो जाती है, ये अलग हो जाती है, ये पार्टनर लेके आता है अपने साथ, ये पहले से ही हमारे पास अपीयर्ड होती है, तो इसको हम यहाँ डाल देंगे टू गुडविल। ठीक है, इसमें प्रीमियम ऑन गुडविल लिखना है, ज़रूर लिखना है प्रीमियम ऑन गुडविल, अगर प्रीमियम ऑन गुडविल नहीं लिखते तो ये आपने गलत कर दिया। और यहाँ गुडविल, ठीक है, यहाँ प्रीमियम ऑन गुडविल लिया है, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में, तो 12,000 एंड 8,000। उसके बाद स्टॉक डेटर ये नहीं होंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 दे रखा, इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग इधर होकर इधर आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है 15,000 है, तो इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करता 9,000 एंड 6,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका यहाँ पे। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, लैंड एंड बिल्डिंग कैश, यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे इसे।
यानी हमने जो करना था यहाँ की एडजस्टमेंट और चेकलिस्ट के आइटम सभी हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क रह जाता है कि इसको हम बैलेंस करें, बैलेंस करें यानी इनके दोनों साइड के टोटल उसको चेक करें। तो देखते हैं यहाँ से टोटल चेक करते हैं कि हमने शुरू करा यहाँ से 150,000, 30,000, 180, 186, 195 एंड 198, ठीक है, 75,000, 20,000, 95,000 एंड 4,099 एंड 5, 6, 105 एंड 207,000, ऐसे क्या है 1,00,000 आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जो मेन टोटल है हम वही लिखेंगे, यहाँ का टोटल चेक करते हैं तो 21,000 बेटर है, 14,000 बेटर है। ऐसा नहीं है कि खाली हमेशा इधर का ही टोटल ज़्यादा हो, इधर का भी हो सकता है, तो हम बाय बैलेंस सीटी इधर को मेंटेन कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको बैलेंस करेंगे टू बैलेंस सीडी के साथ। देखिए यहाँ थे 1,98,000 और यहाँ जो टोटल बैठा है आपका 21,000, तो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं 1,98,000 में से 21,000 को, तो ये हमारा आता है 1,77,000 और ये 1,07,000 है आपको यहाँ पे गिवन, तो इसमें से हमने इसको 14,000 को माइनस करा तो ये आ गया आपका यहाँ पे निकल के 93,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हैं आपके, इसको हमने बैलेंस कर लिया और ये आपका ऐसे कैसे 1,00,000 आ गया क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये हमारा एक, हमने एक छोटी सी एक इलस्ट्रेशन ली है जिसमें हमने जो चेकलिस्ट के आइटम्स हैं उनको कवर कराने की कोशिश करी है आप, ठीक, इसके अंदर। और ये जो अमाउंट होता है ये आपकी बैलेंस शीट में जाएगा जो इस साल आपके CBSE के 2020 के अंदर आपके पैटर्न में नहीं है। तो बच्चों ये आपका बैलेंस, यानी ये सब कुछ बनाने का रीज़न क्या होता है, हमें ये आंसर चाहिए होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फाइनल आंसर। तो ये कोई भी अकाउंट बनाते हैं हम, जैसे रिवेल्यूशन हमने बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसमें हमने एक रिजल्ट निकल गया था, रिजल्ट क्या निकल गया था, प्रॉफिट या लॉस जो भी रिवेल्यूशन का। अब यहाँ जो हमारा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस का निकल के आता है कि ये कैपिटल अब निकल के आ रही है पार्टनर्स की। तो बच्चों ये आपको एक बेसिक सी इलस्ट्रेशंस थी, ठीक है, जिसमें सभी चेकलिस्ट के आइटम्स हमने कवर कराने की कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको चेकलिस्ट के आइटम्स का ट्रीटमेंट करना आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं आपको कहीं नहीं जाएंगे, बहुत ही कम हो, जैसे वर्क पॉइंट कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की तो कई बार मिल जाती है एडजस्टमेंट, जो हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ा है किस किस तरीके से आ जाती है, लेकिन जनरल रिजर्व, गुडविल, रिटर्न ऑफ, इस प्रॉफिट एंड लॉस की इनकी कभी नहीं मिलती एडजस्टमेंट आपको नीचे कहे हुए, आपको ये खुद पर खुद करना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा कन्फ्यूज होता है यार यहाँ तो कहा ही नहीं गया इसको हम क्यों करें, करना है बेटा, ये आपको राइट ऑफ करने पड़ेंगे, जैसे गुडविल यहाँ राइट ऑफ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा रिजर्व, ये आपको अपने आप करने पड़ेंगे। तो ये इन ट्रीटमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है आपकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूँ आज की वीडियो के हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो हम आगे और लेके आएंगे आपको पूरे क्वेश्चंस के साथ आएंगे रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के।